हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दत्ता देवतरे और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर सिविल सर्वेंट पे। आज हम देखने वाले हैं पीएम केयर्स फंड और उसके साथ उसके कंपैरिजन भी देखेंगे पीएम एनआरएफ के साथ। पहले हम देखते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। आज अपन जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक के साथ, उसको लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने इंडियन गवर्नमेंट ने पीएम केयर्स फंड स्थापन किया है। उसके सेटअप किया गया था मार्च 28, 2020 को और इसका ऑब्जेक्टिव्स मैंने उनके ऑफिशियल साइट से लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टू डील विद एनी काइंड्स ऑफ एमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोस्ट बाय द कोविड-19 पैंडेमिक एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड पीपल। ठीक है, फिर हम इनके ट्रस्टीज के बारे में जानते हैं। पीएम केयर फंड्स इनको हेड करते हैं अपने ऑनरेबल पीएम, और पीएम तीन एमिनेंट पर्सन को नॉमिनेट करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, और ये तीनों भी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज है इस फंड के। अब एक्स ऑफिशियो मतलब इनके पास पूरे राइट्स है कि ये पैसे कैसे खर्च करें और कहाँ खर्च करें। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये एक वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स जैसे कि मेरे तरह या आपकी तरह व्यूअर्स कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये एक पार्ट है सीएसआर का, जो कंपनीज और पीएसयूज एक अमाउंट पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये एक टैक्स एग्जेम्प्टेड डोनेशन भी है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 से भी ये एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, और इस डोनेशन में पीएम केयर्स फंड में फॉरेन कंट्रीज से भी कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अभी अभी तक इन्होंने पीएम केयर्स फंड वेबसाइट पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितना अमाउंट अब तक डोनेशन में कलेक्ट किया गया है। तो सजेशंस और न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर, और जो लोगों ने डिक्लेयर किया है कितना अमाउंट उन्होंने दिया है एज ए डोनेशन, उसके पॉइंट से ये कंसिडर होता है कि जो फर्स्ट वीक में ही 6,500 करोड़ का डोनेशन मिल चुका था। यहाँ पे इवन पीएसयू ने भी डोनेशन किया है। डिफेंस पर्सनल की तरफ से 500 करोड़ आए थे और रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से 151 करोड़ आए थे। जब इनसे पूछा गया था कि ये कब डिस्क्लोज करने वाले हैं, तब एक सीनियर ऑफिशियल्स ने ऐसे एक इंटरव्यू में बोला था, वंस अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन कलेक्टेड, मतलब एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जब ये कलेक्ट कर लेंगे तब ये डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट होने के बावजूद भी अब तक डिस्क्लोज नहीं किया है। बाद में देखते हैं हम पीएम केयर्स फंड मॉनिटरिंग के बाद। ठीक है, क्या ये आरटीआई एक्ट के अंदर आता है? तो शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारे आरटीआई पीएम केयर्स फंड रिगार्डिंग रेस्ट किए गए हैं और वो अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से अनआंसर्ड है। क्या ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कैक के अंडर आता है मॉनिटरिंग के लिए? तो शायद नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली कैग ने कहा है कि जब तक पीएम केयर्स फंड के हेड उनको बताते नहीं कि वो ऑडिट कर सकते हैं इस फंड को, तब तक इनके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो अब कैग भी इसको ऑडिट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स विल ऑडिट द फंड। अब ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन हो गए ये भी मेंशन नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉनिटरिंग है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं पीएम एनआरएफ के बारे में। ये पीएम एनआरएफ सेटअप किया गया था जनवरी 1948 में, और इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। और ये इसका जो है ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन से मनी और डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स था जब ये एस्टेब्लिश हुआ तब, फॉर द असिस्टेंस ऑफ पार्टीशन रेफ्यूजीज, जो भी 1947 के पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे
उन रेफ्यूजीज को हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था, लेकिन अब इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो चेंज हो गया है। अब ये हेल्प करता है नेचुरल कैलेमिटीज विक्टिम्स को, एसिड अटैक विक्टिम्स को, और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनको भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करी है, अगर आप चाहते हैं विजिट करना तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पीएमएनआरएफ को भी हेड करते हैं अपने ऑनरेबल पीएम। ठीक है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स में से कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन पीएम केयर्स फंड में ये किया जाता है। अब प्रॉपर हम यहाँ पे अब कंपैरिजन देखते हैं पीएम केयर्स फंड और पीएमएनआरएफ के बीच में। ठीक है, तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्वाइट सिमिलर ही है। ठीक है, लेकिन अब इनके जो ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट से इसको हम एनालिसिस करते हैं, तो इन दोनों के वेबसाइट से मैंने ये डाटा लिया है। तो इनके अकॉर्डिंग अमाउंट्स ऑफ मनी कलेक्टेड, ये जो है यहाँ पे पीएम केयर फंड में डिस्क्लोज नहीं करते, ना ही ये डोनर्स के नेम डिस्क्लोज करते हैं, ना ही एक्सपेंडिचर्स कितना किया है इन्होंने ये डिस्क्लोज करते हैं, ना ही कौन से बेनिफिशियरीज है जिनको इससे फायदा मिला है ये भी इन्होंने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया है। वही हम पीएमएनआरएफ के बारे में देखें तो ये एनुअली डोनेशन के बारे में इनके वेबसाइट पे मेंशन किया गया है, उसी के साथ एक्सपेंडिचर्स भी इन्होंने मेंशन किया गया है और वहां पे पेमेंट रिसीव्ड भी दिया गया है। तो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि जो पीएम केयर्स फंड है वहां पे जीरो ट्रांसपेरेंसी है। वही अगर पीएमएनआरएफ के बारे में देखें तो वहां पे पार्शियली ट्रांसपेरेंसी है, हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में ना ही एक भी कमिटी, ना ही मेंबर्स ने डिस्क्लोज किया है कि इसको प्रॉपर तरीके से ऑडिट कौन करेगा पीएम केयर्स फंड को। ठीक है, वही अगर पीएमएनआरएफ के बारे में देखें तो इसको ऑडिट करेंगे एक इंडिपेंडेंस ऑडिटर, जो कि गवर्नमेंट से नहीं होंगे, वो गवर्नमेंट से बाहर के होंगे। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में सार्स एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द ऑडिटर्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।